कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, अशोक चौधरी जी, सदानंद सिंह जी, आप आगे आइए। पीछे कैसे बैठ गए आप? मौलाना हक जी, परेश धनानी जी, तौसीफ आलम जी, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी का समय है, आप दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यव्रत जी ने कहा कि ये दो व्यक्तियों के बीच चुनाव नहीं है, ये सोच दो सोच के की लड़ाई है, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। पहली विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो कहती है ये देश हम सबका है, हर धर्म का, हर जात का, हर प्रदेश का, और प्रगति होगी तो सब लोग प्रगति में शामिल होंगे। गरीब अमीर, बड़े छोटे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सबकी शक्ति का प्रयोग करना है। जब हम सबकी शक्ति का प्रयोग करेंगे तब यह देश आगे जाएगा, और हम किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं। देखिए, आप हमारे भाषण सुनिए, कांग्रेस के जो भी नेता हैं आप हमारे भाषण सुनिए, आपको गुस्सा, क्रोध, किसी और की बुराई नहीं सुनाई देगी। हम प्यार से बात करते हैं, हम प्यार से बात करते हैं, तमीज से बात करते हैं, सिर झुका के बात करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की सोच, हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं, महाराष्ट्र के लोगों को बिहार के लोगों से लड़ाते हैं। आप वहां जाते हो तो उनके पार्टनर आपको मारते हैं, शिवसेना के लोग आपको मारते हैं, कहते हैं जाओ वापस बिहार, तुम्हारे यहां जगह नहीं। मैंगलोर में, कर्नाटक में महिलाओं की पिटाई करते हैं, अकेली महिला उसकी पिटाई करते हैं। और इनके भाषण आप सुनिए, हर भाषण को सुनिए, एक आपको भाषण नहीं मिलेगा जिसमें गुस्सा नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, एक भाषण नहीं मिलेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी बात ये कह ही नहीं सकते हैं। इस देश में सिर्फ एक व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है। बिहार में कुछ होता है, किसी के खेत में कुछ होता है तो वो व्यक्ति जानता है, उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो वो जानता है, गुजरात में होता है वो जानता है, बिहार में होता है जानता है, सब कुछ वो जानता है। चुनाव हो रहा है, हिंदुस्तान के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, युवाओं के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, गरीब लोगों के लिए चुनाव नहीं हो रहा है। सिर्फ सवाल एक है, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव हो रहा है, ये उनकी सोच है। बाकी सब भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है आपकी, कोई जरूरत नहीं है आपकी। भैया आपने क्या किया, आप कौन होते हो? गुजरात की जनता ने क्या किया, वो कौन है? 60 साल से खून पसीना दिया अपना, प्रदेश को बनाया,
छोटे छोटे कार्य छोटे छोटे कंपनियां खोली, गुजरात को मजबूत बनाया। नहीं भैया, गुजरात आगे गया है तो सिर्फ एक आदमी ने काम किया है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ने अपनी शक्ति से, अपने काम से, अपने दिल से पूरे गुजरात को खड़ा किया है। और जैसे उसने गुजरात को खड़ा किया, वैसे ही वो हिंदुस्तान को खड़ा करेगा। अरे भैया, 60 साल से हिंदुस्तान की जनता लगी हुई है। अगर ये देश आगे बढ़ा है तो आपने काम किया है, किसान ने काम किया है, मजदूर ने काम किया है, ज्ञान आप में है, जानकारी आप में है, ये फर्क है। हम आपके पास आते हैं और देखिए, हम इस बात को पहचानते हैं कि अगर बिहार आगे जाएगा तो आप लोग ले जाओगे। आप लोगों की शक्ति, किसान की शक्ति, मजदूर की शक्ति, हिंदू मुसलमान सिख की शक्ति बिहार को आगे ले जाते हैं। हम आपके पास आते हैं। 6 महीने पहले हम आपके पास आए, मैं गया, कुलियों से बात की, रिक्शा वालों से बात की, किसानों से बात की, मजदूरों से बात की, नमक के मजदूर हैं जो गुजरात के कोने में हैं, उनसे बात की, अल्पसंख्यकों से बात की, सबसे मैंने बात की, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बात की। और हमने आपसे एक सवाल पूछा, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो आप बताओ क्या करें हम आपके लिए। आपने 3 जवाब दिए, मोटे तौर पे 3 जवाब दिए। सबसे पहला जवाब जो आपने भी अभी उठाया, अस्पताल का, आपने कहा कि देखिए, आपने भोजन का अधिकार, कांग्रेस पार्टी ने भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, और इससे गरीब जनता को फायदा हुआ। पहली बार हमारे पैरों के नीचे एक फर्श, अधिकार की एक फर्श तैयार हुई। अब हम आपसे 3 और अधिकार चाहते हैं, हमारी सरकार बनेगी और अगर आप हमसे पूछोगे तो हम 3 चीजें चाहते हैं। पहली चीज, अमीर व्यक्ति अस्पताल में जाता है, लाल कारपेट लग जाता है, गाड़ी में आता है, चमकते हुए गाड़ी में आता है वो फटाक, फिर अस्पताल के दरवाजे खुलते हैं, वो अंदर जाता है, दवाई लेता है, ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन हो जाता है। यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं, आपके लिए, गरीब जनता के लिए अस्पताल के दरवाजे बंद हैं। आप मुझे कह रहे हो कि यहाँ अस्पताल की ज़रूरत है। किसान मजदूर रोज काम करता है, पसीना आता है, कभी कट जाता है, दर्द होता है, उसको दवाई की जरूरत पड़ती है। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलता हूं, अब आ रही है? ठीक है, जोर से बोलता हूं। तो खेती में काम करता है, मजदूरी करता है, और फिर 2-3 दिन बाद बीमार हो जाता है, और जो वो 3-4 दिन में उसकी आमदनी होती है वो 1 पट्टी दवाई में चली जाती है। तो आपने हमें कहा, देखिए पहला अधिकार, ये जो अस्पताल हैं, हमें भी ऑपरेशन की जरूरत है, गरीब लोगों को भी ऑपरेशन की जरूरत होती है, ये नहीं कि सिर्फ अमीर लोगों को ऑपरेशन की जरूरत होती है। इन अस्पतालों के दरवाजे आप हमारे लिए खोली। और दूसरी बात, दवाई, हर हिंदुस्तानी को दवाई मुफ्त में आप दीजिए, मुफ्त में, 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 5 रुपया नहीं, अगर गरीब है तो फ्री में दवाई आप दीजिए। ये काम हम आपके लिए करने वाले हैं। पहला अधिकार। दूसरा अधिकार, आपने कहा कि देखिए इंदिरावास आप भेजते हैं, गांव में किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, 2-3 आवास आते हैं, मगर गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके जिनकी छत नहीं, बारिश आती है, जो अमीर होता है अच्छी नींद सोता है, सुबह उठता है, मगर जो गरीब होता है वो सो नहीं पाता है, पानी टपकता है छत से, आंधी आती है, छत उड़ जाती है। आपने कहा कि देखिए
ये इंदिरा आवास सही है, मगर आप ऐसा काम कीजिए हर गरीब व्यक्ति को आप गारंटी करके एक छत दीजिए, मजबूत छत। और ये भी हम काम करने वाले हैं। और तीसरा काम आपने कहा कि देखिए पेंशन मिलता है, बुजुर्ग लोगों को पेंशन मिलता है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। आप ऐसा काम कीजिए, ये बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुस्तान के लिए दी है, काम किया है, किसी ने सेना में काम किया, किसी ने खेत में काम किया, किसी ने मजदूरी की, इनको आप गारंटी करके, हर बुजुर्ग व्यक्ति को आप गारंटी करके पेंशन दीजिए। ये भी तीसरा काम हम करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि गरीबों के पैर के नीचे एक मजबूत फर्श बने, अधिकार की फर्श, दवाई मिले, छत मिले, भोजन मिले, रोजगार मिले, तो आपको भी लगे कि भाई ये हिंदुस्तान है, हमारा है। एक ऐसा दिन आएगा जब हमारे बच्चे भी जहाज को उड़ा पाएंगे, हमारे बच्चे भी बिजनेस करेंगे, हमारे बच्चे भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएंगे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम गरीब हैं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम गरीब हैं, हमारे सामने एक दीवार खड़ी है और हम रोज इस दीवार पर टक्कर लगाते हैं, सिर मारते हैं इस दीवार पे, रोज हम सिर मारते हैं, कुछ होता नहीं। ये जो आपके दिल में है ये मैं निकालना चाहता हूं, फेंकना चाहता हूं इसको, कि आपको लगे कि आपकी सरकार आपको पीछे से धकेल रही है, जो आप करना चाहो आपकी सरकार धकेल रही है, और आपके जमीन आपके पैर के नीचे एक ऐसी फर्श लगे कि आप भी जब कदम रखो कि आपको भी लगे भैया कदम रखा है हमने, गिरेंगे नहीं। ये हम आपको देना चाहते हैं। यहां अल्पसंख्यक भाई है, सच्चर कमीशन हम लाए, लागू किया, दुख की बात है कि बिहार में सही प्रकार से लागू नहीं हुआ, उसको भी हम ठीक से बिहार में और बाकी प्रदेशों में लागू करेंगे। अब देखिए पिछले 10 साल में हम मनरेगा लाए, भोजन का अधिकार लाए, शिक्षा का अधिकार लाए, और हुआ क्या, 15 करोड़ लोग गरीबी से निकले। बिहार में शायद थोड़े कम निकले, यहाँ पे आपकी दूसरी सरकार थी, मगर बाकी प्रदेशों में तेजी से 15 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का। कौन लोग हैं ये इस भीड़ में है? छोटे किसान, धोबी, नाई, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा चलाने वाले, कुली, आंगनवाड़ी की महिलाएं, सब्जी वाले, सिक्योरिटी गार्ड, ट्रक ड्राइवर, ये लोग जो इस देश को चलाते हैं, ये लोग जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर देश आगे बढ़ता है तो इन लोगों के की मेहनत से, इन लोगों के खून से, इन लोगों के पसीने से ये देश आगे बढ़ता है। अधिकार की मैंने बात की, गरीबों के लिए एक फर्श तैयार करने की बात की, अब ये 70 करोड़ लोग हैं, ये बीपीएल से ऊपर हैं, ये मिडिल क्लास से नीचे हैं। 5 साल में हम इन 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डाल के दिखा लेंगे। कैसे डालेंगे वो भी आपको बता देता हूं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे आपके बच्चों के लिए खोलेंगे, आपके बच्चों को हम स्कॉलरशिप देंगे कि आपको भी लगे कि भैया चमकता हुआ कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है, इसमें मेरे बच्चे भी जा सकते हैं। रिक्शा वालों से मैंने बात की, उत्तर प्रदेश में 2 घंटा धूप में, ये जो मैंने मुफ्त दवाई की बात की वो वहां से आई, उन्होंने बात उठाई कि भैया हम रिक्शा चलाते हैं पूरा दिन, घुटना पिस जाता है, 5 साल चलाते हैं, 10 साल चलाते हैं, उसके बाद चला नहीं जाता है, दवाई खानी पड़ती है, पूरी आमदनी दवाई में चली जाती है,
मुफ्त में दवाई दीजिए। कर दिया हमने काम, हम आपकी सुनते हैं। आप टेलीफोन होगा आपके हाथ में, टी शर्ट पहनते हो, जूता पहनते हो, कभी आप उसको उल्टा करो, उसके पीछे देखो तो आपको मेड इन चाइना दिखाई देता होगा। देखा होगा आपने मेड इन चाइना। 70 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में डालना है तो उसपे मेड इन इंडिया, मेड इन बिहार लिखना पड़ेगा। मेड इन बिहार, मेड इन इंडिया कैसे लिखेंगे? दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर बेंगलोर, बेंगलोर से लेकर चेन्नई और दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया है। सड़कें बिछाई हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बिछाई हैं, बिजली का साधन, पानी का साधन दिया है और एक माल ढोने की रेलवे लाइन तैयार की है। जापान की सरकार के साथ हम काम कर रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं इस काम के लिए। काम शुरू है, ये कॉरिडोर तैयार हो रहा है, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी बनेगी और यहां हम हजारों उद्योगों को जगह देंगे। यहां पास में बिहार के पास से निकलता है, हम आपको उस कॉरिडोर से जोड़ेंगे और एक दिन जब आप अपनी घड़ी को देखोगे, अपने टी शर्ट के पीछे देखोगे, आप भी कह पाओगे कि भैया मेड इन इंडिया लिखा है, मेड इन बिहार लिखा है, इसमें मैंने भी अपना काम दिया है, मेरा भी इसमें पसीना गया है। ये ऐसा हिंदुस्तान हम चाहते हैं और इससे लाखों युवाओं को, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा, फायदा मिलेगा। अब मैं थोड़ा आपके जो एमपी हैं इनके बारे में 2-3 शब्द कहना चाहता हूं। पार्लियामेंट में मैं इनको देखता हूं, जमीनी नेता हैं, आपकी बात करते हैं। मुझे भैया, मैं आपको बताऊं, मुझे तंग कर दिया, आप कब आ रहे हो, 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 रोज चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। मेरे से पहले सोनिया जी को ले आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उठा के ले आए। 160 शिक्षा के इंस्टीट्यूशन खोले हैं इन्होंने, ये सही आवाज है। दिल्ली में ऐसे व्यक्ति को आप भेजिए, आपकी आवाज अच्छी तरीके से लोकसभा में पहुंचेगी। अब भैया, अब आखिरी बात बोलनी है आपसे। मैंने आपको कांग्रेस पार्टी की सोच के बारे में बताया, विचारधारा के बारे में बताया, मैंने यह भी बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं, मैंने बताया कि अधिकार की बात कर रहे हैं, 3 तरीके के अधिकार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। अब मैं थोड़ा उनके मॉडल के बारे में भी बोल देता हूं, जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में भी बता देता हूं आपको। शुरुआत मैंने कर दी, उनके मॉडल में सिर्फ एक व्यक्ति काम करता है, एक व्यक्ति है, वो सब कुछ जानता है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है, बाकी हिंदुस्तान का कुछ लेना देना नहीं है, ना वो आपसे कुछ पूछते हैं, ना वो आपको कुछ बताते हैं। सिर्फ एक बात है, मुझे हिंदुस्तान का चौकीदार बना दो, मुझे हिंदुस्तान की चाबी दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। अच्छा भैया, मैं जहाज में आया, यहां जहाज के अंदर रेडार होता है, जानते हो रेडार क्या होता है? रेडार होता है कि वो दूसरे जहाजों को पहचान लेता है, कि दूर से दूसरा जहाज आ रहा होता है, जहाज में रेडार होता है, वो दूसरे जहाज को आसानी से पहचान लेता है, वो कहता है ये इस प्रकार का जहाज है, यहां से आ रहा है। ये जो मोदी जी हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि बिहार के हर व्यक्ति के पास अपना रेडार है।
और ये जो रेडार है आपका, ये बड़ा फाइन ट्यून रेडार है, जो उल्टा सीधा बोलता है वो एक सेकंड में बिहारी रेडार पकड़ लेता है उसको। और शायद शायद हिंदुस्तान में सबसे अच्छा रेडार आपका है, महाराष्ट्र में जाता है एक मिनट में पकड़ लेता है, ट्यूनिंग कर लेता है, समझ आ जाती है भैया ये मुझे ठग रहा है, ये मुझे वो कर रहा है, ये मेरा बेवकूफ बना रहा है। बहुत अच्छी समझ है आपकी। दिल्ली में रेडार काम करता है, बिहार में काम करता है, पूर्णिया में काम करता है, जापान में भी बिहारी रेडार जाता है काम करता है। ठीक है, अब आए इनके नेता और उन्होंने गुजरात मॉडल की बात की, कहा कि देखिए गुजरात को हमने चमका दिया, गुजरात मॉडल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा आपको गुजरात मॉडल के बारे में बताता हूँ, आंकड़े निकालता हूँ, आपका रेडार समझे थोड़ा कि भैया ये गुजरात मॉडल है क्या। देखिए 45,000 एकड़ इन्होंने एक व्यक्ति को जमीन दी। किसकी जमीन? गरीब किसान, जोर से बोलो, गरीब किसान, गरीब किसान की जमीन 45,000 एकड़ इन्होंने दी। कितनी जमीन? पूर्णिया जितना शहर है ना, जितना पूर्णिया शहर बड़ा है, उतनी जमीन इन्होंने पकड़ा दी एक व्यक्ति को। ठीक है, अब आप सोचोगे कि भैया ठीक है जमीन पकड़ाई तो क्या हुआ, अच्छा कितने के लिए पकड़ाई ये भी पूछ लो। पूर्णिया जितनी जमीन 300 करोड़ रुपए में उठा के दे दी, मतलब एक रुपया मीटर। भाई यहां कितने की मिलती है जमीन? चॉकलेट, टॉफी, चॉकलेट, 1 रुपये में भैया यहां पे आपको टॉफी मिलती है। चॉकलेट कितने का होता है? 5 रुपए का होता है। ठीक है, वहां पे एक व्यक्ति को 1 रुपये मीटर 45,000 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दी, कहा भैया लो टॉफी खाओ, मजे लो। मुंबई जितनी समुद्र के किनारे की जमीन जितनी मुंबई में है वो भी इन्होंने इस उद्योगपति को दी। कितने रुपए के लिए? 30 करोड़ रुपए के लिए, 300 करोड़ रुपए के लिए पूर्णिया जितनी जमीन और 30 करोड़ रुपए के लिए मुंबई जितनी जमीन उठा के दे दी। ठीक है, गुजरात मॉडल, टॉफी मॉडल, चॉकलेट मॉडल, जो भी आप इसको कहना चाहते हो कह सकते हो। दूसरी बात बताता हूं, नैनो गाड़ी देखिए आपने, नैनो कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए लोन दिया। किसान को 12% पे लोन देते हैं, किसान कमजोर होता है, गरीब होता है, उसको 12% पे लोन दिया देते हैं। बैंक के दरवाजे बंद है गुजरात में, वो 12% भी नहीं मिलता उसको। और टाटा नैनो के कंपनी को 0.1% पे इन्होंने 25 साल का लोन दिया। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए एक कंपनी को, गुजरात का पैसा, मोदी जी का पैसा नहीं, गुजरात के किसान का पैसा। शिक्षा में और स्वास्थ्य में अगर आप गुजरात सरकार का बजट जोड़ दो, सब स्कूल का बजट, यूनिवर्सिटी का बजट, कॉलेज का बजट, अस्पताल का बजट, दवाई का बजट, सब जोड़ दो आप, तब 10,000 करोड़ रुपए से कम है। ये जो आपने नैनो गाड़ी देखी है ना, हर गाड़ी के लिए 40,000 रुपए गुजरात की जनता टाटा को देती है,
हर गाड़ी के लिए 40,000 रुपए गुजरात की सरकार टाटा को देती है। भैया देखिए, मैंने आपसे कहा है बिहार का जो रेडार है ना, उसका कोई उल्लू नहीं बना सकता है। आप बहुत होशियार हो मोदी जी, हिंदुस्तान का उल्लू बनाना बंद करो। बिहार में बिहारी मॉडल चलेगा, बिहार की जनता बिहार को चलाएगी। और जिस दिन भैया आपकी सरकार ने आपके हाथ खोल दिए, उस दिन बिहारी मॉडल सबसे आगे दौड़ा के ले जाएगा आपको। यहां मॉडल की कोई कमी नहीं है, यहां आपके हाथ बंधे हुए हैं। जिस दिन आपके हाथ खुल गए, बिहार मॉडल सबको दिखा देगा कैसे प्रगति होती है, कैसे विकास होता है। कोई कमी नहीं है आप में। तो टॉफी मॉडल में भैया गरीब लोग क्या करते हैं, यह भी आपको बता देता हूं। 40,00,000 परिवार हैं जो बीपीएल लाइन से नीचे हैं। अब आप पूछोगे भैया गुजरात में गरीब किसको मानते हैं, गुजरात में गरीब को किसको मानते हैं? बीपीएल लाइन भैया 11 रुपए। अगर आपके पास 11 रुपए हैं तो आप गरीब हैं, 12 रुपए हैं तो आप अमीर हो। गुजरात मॉडल में 40,00,000 परिवार हैं जो 11 रुपए से कम कमाते हैं। 40% लोगों को पीने का पानी नहीं है और दो में से एक बच्चा भूखे हैं। ये है इनका टॉफी मॉडल, गुजरात मॉडल, गुब्बारा मॉडल, जो भी आप इसको कहना चाहते हो कह दो। भैया अपना रेडार ऑन करो, तैयार करो रेडार को। चुनाव का समय आएगा, बटन दबाना, यूपीए का कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना, इनको जिताना और दिल्ली में हमारी सरकार बनाइए और देश को हम तेजी से आगे ले जाएं। आप सब दूर दूर से आए, आपने प्यार दिखाया। मैं सिर्फ आपको अंत में एक बात कहना चाहता हूं, आप हमें शक्ति देते हो, आप ज्ञान देते हो। नहीं भैया, आप हमारी शक्ति हो। राजनेता के पास कुछ नहीं होता भैया, राजनेता के पास सिर्फ एक चीज होती है, वो आपका भरोसा, और कुछ नहीं होता। और मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप घबराओ मत, मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य का अधिकार का मतलब यही है कि मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की।